समाजवादी पार्टी में वो व्यक्ति था, इसलिए उस व्यक्ति को सदन आने का मौका मिला। उस व्यक्ति की पार्टी में 6 विधायक, आप देखिए ना, 6 विधायक कहाँ से जीते हैं, किसकी मदद से जीते हैं, बिना माननीय अखिलेश यादव जी के और बिना समाजवादी पार्टी के नहीं जीते हैं। और अगर उसको लगता है उस व्यक्ति को कि हमारे पीछे बड़ा जनादेश है, लोग हैं, समाज है, तो वो दो काम करें, एक तो इंतजार करें घोसी उपचुनाव के परिणाम का, और दूसरा उनको उसके बाद भी उनका घमंड न खत्म हो तो अकेले कभी चुनाव लड़ लें, अगर सदन आ जाए तो हमसे बात करिए। घोसी उपचुनाव का नतीजा ईवीएम के पिटारे में है। कल यानी 5 सितंबर को सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक वोटिंग हुई और देर शाम ये आंकड़ा आया कि कुल मिला जुलाकर 50.30% वोट यहाँ की जनता ने किए। इस बीच सपाई सुबह से बूथों पर प्रशासन द्वारा मतदाताओं को वोट देने से रोकने के कई गंभीर आरोप भी लगाए, लेकिन फिर भी सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह का ये कहना था कि वो जीत रहे हैं। वहीं दारा सिंह चौहान भी अपने जीतने को लेकर दावा करते नजर आए। वहीं अब पार्टियों के बीच जीतने के दावे के साथ साथ आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गए हैं। दारा सिंह चौहान के सपोर्ट में आए ओपी राजभर को लेकर सपाई कहते नजर आए। मैं ओपी राजभर, आजकल एनडीए के साथ में घोसी चुनाव में प्रचार किया है, वो एक बात कह रहे हैं कि आपके यहाँ भी वो होने वाला है जो महाराष्ट्र में हुआ था, चाचा और भतीजे की जोड़ी टूटेगी, वो यहाँ पर आएंगे, आपके साथ रहे वो, अब इस तरीके का दावा वो कर। देखिए, आप सम्मानित पत्रकार हैं, पुराने साथी हैं, आपको इतना मालूम होना चाहिए कि ओम प्रकाश राजभर जैसे व्यक्ति पे क्या भरोसा करेंगे। जो व्यक्ति बीएसपी में गया वहां से आने के बाद दलितों को गाली दी, जो व्यक्ति भाजपा में गया वहां से निकलने के बाद मोदी जी को, अमित शाह जी को और योगी जी को गालियां दी, जो व्यक्ति समाजवादी पार्टी में गया वहां से हटने के बाद माननीय अखिलेश यादव जी को गालियां दे रहा है, वो उस व्यक्ति का कोई अस्तित्व है, उस व्यक्ति का कोई मतलब है उस व्यक्ति की बात की? मुझे लगता है वो राजनीति में सिर्फ एक नौटंकी है और नौटंकी का कोई बड़ा मतलब नहीं है। इसी व्यक्ति ने 2022 में आपको मऊ, आजमगढ़ और वहां काफी सीटें जिताई थी, आपके साथ रहे, आप ज्यादा समझते हो? उस व्यक्ति ने जिताई थी या समाजवादी पार्टी में वो व्यक्ति था, इसलिए उस व्यक्ति को सदन आने का मौका मिला। उस व्यक्ति की पार्टी में 6 विधायक, आप देखिए ना, 6 विधायक कहां से जीते हैं, किसकी मदद से जीते हैं, बिना माननीय अखिलेश यादव जी के और बिना समाजवादी पार्टी के नहीं जीते हैं। और अगर उसको लगता है उस व्यक्ति को कि हमारे पीछे बड़ा जनादेश है, लोग हैं, समाज है, तो वो दो काम करें, एक तो इंतजार करें घोसी उपचुनाव के परिणाम का, और दूसरा उनको उसके बाद भी उनका घमंड न खत्म हो तो अकेले कभी चुनाव लड़ लें, अगर सदन आ जाए तो हमसे बात करिए। लखनऊ से अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट, यूपी तक।